दोस्तों, BTS की छोटी सी भी चीज़ को लोग काफ़ी बड़ा इशू बना देते हैं, और ऐसा ही हो रहा है हमारे गोल्डन मार्क ने यानी जंगकुक के साथ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ही काफ़ी सारे लोगों ने जंगकुक के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए हैं, लेकिन दोस्तों अब तो उन्होंने हद ही कर दी है, क्योंकि उन्होंने जंगकुक के खिलाफ एक कंप्लेन भी फाइल कर दी है। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारी प्यारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। दोस्तों, हर कोई जानता है कि BTS हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कभी भी उनकी अच्छाइयों को नहीं देखते, बल्कि लोग सबसे पहले उनकी बुराइयाँ ढूंढने निकल पड़ते हैं, और जब उन्हें कोई भी बुराई नहीं दिखती तो वो किसी भी छोटे से मैटर को बना बना कर BTS के ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हाल ही में ही पता चला है कि एक सिटीजन ने जंगकुक के खिलाफ फेयर ट्रेड कमीशन में कम्प्लेन फाइल कर दी है, और दोस्तों ये कम्प्लेन उन्होंने इस बिहाफ पर करी है कि जंगकुक ने अपने भाई की कंपनी के कपड़े पहनने के बाद उसकी बैकडोर एडवर्टाइजमेंट करा है। हालांकि दोस्तों, काफ़ी सारे फैंस जंगकुक के सपोर्ट में हैं और उन्होंने एक नई कैंपेन को शुरू करा है जहां पर वो जंगकुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और दोस्तों, उन्होंने बताया है कि FTC की पॉलिसी के हिसाब से कोई भी आर्टिस्ट तब तक बैकडोर एडवर्टाइजिंग के केस में नहीं जा सकता जब तक कि उसने एडवर्टाइजिंग की पॉलिसीज को पूरा ना किया हो। दोस्तों, पॉलिसीज के हिसाब से कंपनी का कहना है कि जब भी कोई बिना एडवर्टाइजमेंट कंपनी से जुड़े हुए प्रोडक्ट की तारीफ करता है या फिर उसको रिव्यू करता है या फिर उसको रिकमेंड करता है, तभी माना जाता है कि उसने उस प्रोडक्ट का प्रमोशन किया है। और दोस्तों, इसीलिए काफ़ी सारे फैंस का कहना है कि ये बात तो साफ है कि जंगकुक ने कहीं भी उस प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करी है, ना ही उन्होंने उसे रिव्यू करा और ना ही उन्होंने फैंस को रिकमेंड करा है, और इसीलिए ये बैकडोर एडवर्टाइजमेंट नहीं माना जा सकता। हालांकि दोस्तों, कंप्लेन फाइल करने वाले का कहना है कि जंगकुक ने एक दो बार लाइव में आकर भी इन कपड़ों को पहना है, और भले ही उन्होंने इसे रिकमेंड नहीं करा, लेकिन ये बात खुद जंगकुक जानते हैं कि उनका किसी कपड़े को पहन लेना ही उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए काफ़ी है, और इसीलिए कंपनी की सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये कपड़े सोल्ड आउट हो गए, और इसी तरह जंगकुक ने अपना प्रॉफिट कमाने के लिए बैकडोर एडवर्टाइजमेंट को किया है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, इसके साथ साथ काफ़ी सारे फैंस जो जंगकुक के सपोर्ट में हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड करना शुरू कर दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिग हिट प्रोटेक्ट जंगकुक। दोस्तों, फैंस का कहना है कि जंगकुक बहुत मुश्किल से अपने ऊपर को ओवरकम कर पाए हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ काफ़ी फैंस ने ये भी बताया है कि पहले जंगकुक काफ़ी शाय थे, वो अपनी चीज़ों को रिवील नहीं कर पाते थे, और कोविड के टाइम में उन्होंने खुद को ढूंढा और फाइनली वो बोल्ड हुए हैं। अपनी चीज़ों को, अपने टैटूज को वो दुनिया से अब छुपाते नहीं हैं, और अब उन्होंने अपने सोलो लाइफ भी फिर से शुरू कर दिए हैं जहाँ पर वो फैंस के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त को एंजॉय करते हैं। और इस तरह कोई भी अगर उनकी रेपुटेशन को ख़राब करेगा या फिर उनके नाम को डिफेम करेगा तो इससे जंगकुक का कॉन्फिडेंस फिर से गिर जाएगा, और ये चीज़ जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर सकती है। दोस्तों, फैंस का ये भी कहना है कि बिग हिट को एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो जबरदस्ती BTS को बदनाम करना चाहते हैं। कोई इस तरह आखिर कैसे जंगकुक की हैप्पीनेस को छीन सकता है? क्या अब उन्हें अपने मनपसंद कपड़े पहनने का भी कोई हक नहीं है? दोस्तों, फैंस का ये भी कहना है कि ये बात हर कोई जानता है कि BTS बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स को पहनते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जब भी उन ब्रांड्स को पहने हमेशा उनका प्रमोशन ही कर रहे हों। वो आम जिंदगी में भी हमेशा ब्रांड्स को ही पहनते हैं, और ऐसे में अगर जंगकुक ने अपने भाई के ब्रांड को पहन भी लिया तो इसको इतना बड़ा इशू आखिर क्यों बनाया जा रहा है? इस तरह कोई भी जंगकुक को बदनाम नहीं कर सकता। तो आर्मी, अगर आपको भी लगता है कि ऐसा फैंस जो कंप्लेन कर रहे हैं ये गलत है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आप जंगकुक के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को हर आर्मी तक शेयर करें और इसे ट्रेंड कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।